कुछ साल पहले मुझे बंगाल के एक छोटे से शहर में फैक्ट्री इंस्पेक्शन के लिए जाना पड़ा, जहां काम खत्म होते होते मुझे काफी लेट हो गया था। इसीलिए मैं उस फैक्ट्री के पास वाले होटल में जाके ठहर गया। जब मैं वहां पहुंचा तो रिसेप्शनिस्ट ने मुझे बताया कि सारे रूम्स फुल हो चुके हैं। काफी रात हो चुकी थी और बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी। इतनी देर रात मैं कहां जाता। मैंने उस रिसेप्शनिस्ट से बहुत रिक्वेस्ट करी और मेरी लाख मिन्नतों के बाद उसने मुझे 6th फ्लोर पर एक रूम दे दिया। पर रूम में जाते जाते उसने मुझसे एक बात बोली जिसे सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। वो बोला कि आप अपना रूम 12 बजे के बाद बिल्कुल मत खोलिएगा। मैंने उस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया और उसे पानी की बोतल भिजवाने के लिए बोलकर मैं अपने रूम चला गया। मैं इतना थका हुआ था कि मुझे कब नींद आई मुझे पता ही नहीं चला। मैं सो ही रहा था कि मेरे रूम पर ठक ठक हुई। मुझे लगा कि फाइनली पानी की बोतल आ गई है। मैंने उठ के देखा तो कमरे में एकदम अंधेरा था और शायद होटल की लाइट भी चली गई थी। जब मैंने दरवाजा खोला तब मैं नींद में ही था, तो मैंने टाइम पर ध्यान नहीं दिया। दरवाजे पर एक आदमी था जिसका पूरा मुंह एक सफेद शॉल से ढका हुआ था। उसके एक हाथ में लालटेन थी और दूसरे हाथ में पानी की बोतल। जैसे ही मैं पानी की बोतल लेने के लिए आगे बढ़ा, वो आदमी थोड़ा पीछे हो गया और होटल की बालकनी की तरफ चलने लगा। मैं उस पर चिल्लाते हुए आगे बढ़ा, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुन रहा था। अरे अरे पानी की बोतल तो देके जाओ। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया। वो एक पल के लिए रुका और पीछे मुड़ा। फिर जैसे ही मैंने उससे पानी छीनने की कोशिश करी, वो आदमी मेरे ऊपर जोर से चिल्लाया और उसकी शॉल उसके मुंह से हट गई। मैंने जो देखा वो देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। उस आदमी की आंखें नहीं थी, सर ऊपर से खुला हुआ था और पूरा चेहरा जला पड़ा था। मैं एकदम से बहुत ज्यादा घबरा गया और तुरंत अपने कमरे की ओर वापस भागा। मैंने देखा कि घड़ी में 1:30 बज रहा है और तब मुझे उस रिसेप्शनिस्ट की बात याद आई। तभी मेरे रूम में वापस ठक ठक हुई। मैंने इस बार दरवाजा नहीं खोला और रिसेप्शन पर कॉल लगाया। रिंग बजती रही लेकिन किसी ने भी फोन नहीं उठाया। मैं सारी रात दरवाजे पर ठक ठक की आवाज से बहुत ज्यादा डर गया था और सुबह सूरज निकलते ही मैंने रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर उसे खूब डांटा। तब उस रिसेप्शनिस्ट ने मुझे बताया कि कुछ साल पहले रात के 12 बजे के बाद उस होटल के 6th फ्लोर पर एक आदमी ने खुद को जलाकर सुसाइड की थी। उसके बाद से उस आदमी की आत्मा उसी फ्लोर पर भटकती है और उस रूम में रुकने वाले लोगों में से कुछ लोग 6th फ्लोर की बालकनी से गिरकर मर भी चुके हैं और इसीलिए वो 6th फ्लोर का कोई भी रूम किसी को अलॉट नहीं करते। ये सुनकर मैंने खुद को खुशनसीब माना कि मैं जिंदा हूँ और सुबह सुबह ही उस होटल से निकलकर वापस अपने घर आ गया। मुझे आज तक रात में 12 बजे के बाद घबराहट महसूस होती है और उस आदमी का डरावना चेहरा मुझे ढंग से सोने नहीं देता।